कनेडा सरकार ने भारत वालों वॉन्टड ऐलाने गए गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का नाम अपनी मोस्ट वॉन्टड सूची के विचों हटा दिता है। कनेडियन सरकार के इस फैसले का कारण भारत और कनेडा विचाले पहला तो ही तनावपूर्ण संबंधों चल रहा विवाद मनिया जा रहा है। कनेडा च लुके गोल्डी बराड़ से पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के कतल का इल्जाम है तो भारत सरकार ने उस खिलाफ इंटरपोल रैड नोटिस भी जारी किया हुआ है। कनेडा च भारत के सबका हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा ने NIA नूं दित्ती इंटरव्यू दे विच दस्सिया कि कनेडा सरकार ने गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का नाम अपनी मोस्ट वॉन्टेड सूची दे विचों हटा दिता है। उन्होंने कहा कि कनेडा अजिहे अपराधियों ते कट्टरपंथियों नूं बना दे रहा है जो भारत की सुरक्षा लई खतरा बन सकते हैं। संजय वर्मा ने कहा कि कनेडा वालों गोल्डी बराड़ का नाम हटाने का फैसला दोवां देशों विचाले चल रहे कूटनीतिक मुद्दों का हिस्सा है। कनेडा का यह रवैया अतवाद विरुद्ध कार्रवाई के सहयोग की कमी को दर्शाता है। उन्होंने कहा है कि भारतीय अधिकारियों ने गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई समेत कुछ गैंगस्टरों के नाम कनेडा मुहैया करवाए ने ताकि उन्होंने विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा सके। इसके बावजूद गोल्डी बराड़ का नाम हटाने के फैसले ने भारत में सुरक्षा और न्याय से जुड़े सवाल खड़े कर दिए ने। दस दें कि गोल्डी बराड़ का लंबा आपराधिक इतिहास है जो भारत में उस खिलाफ कार्रवाई की लंबी सूची भी है। गोल्डी बराड़ नूं पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के कतल का मुख्य मुलजम मनिया गया है। मई 2022 दे विच जदों सिद्धू मूसेवाले का गोली मार के कतल कर दिता गया सी तां गोल्डी बराड़ ने सोशल मीडिया से इस कतल की जिम्मेवारी लैंदिआं कहा कि उसके गैंग और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सांझा बदला सी। इस तों इलावा गोल्डी बराड़ पंजाब दे विच कई होर अपराधिक मामलों दे विच भी मुख्य मुलजम है। उसके हथियारों की तस्करी कतल ते धमकाउण वर्गे अपराधों दे विच शामिल होण दा इल्जाम है। गोल्डी बराड़ दीआं गतिविधियां नूं वेखते हुए भारत सरकार ने भी उसनूं अतवादी घोषित किया होया अते उसनूं राष्ट्रीय सुरक्षा लई गंभीर खतरा मन्निया। ब्यूरो रिपोर्ट द टीवी NRI। कनेडा सरकार ने भारत वालों वॉन्टड ऐलाने गए गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का नाम अपनी मोस्ट वॉन्टड सूची दे विचों हटा दिता है। कनेडियन सरकार के इस फैसले का कारण भारत और कनेडा विचाले पहला तो ही तनावपूर्ण संबंधों च चल रहा विवाद मनिया जा रहा है। कनेडा च लुके गोल्डी बराड़ से पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के कतल का इल्जाम है तो भारत सरकार ने उस खिलाफ इंटरपोल रैड नोटिस भी जारी किया हुआ है। कनेडा च भारत के सबका हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा ने NIA नूं दित्ती इंटरव्यू दे विच दस्सिया कि कनेडा सरकार ने गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का नाम अपनी मोस्ट वॉन्टड सूची दे विचों हटा दिता है। उन्होंने कहा है कि कनेडा अजिहे अपराधियों और कट्टरपंथियों नूं बना दे रहा है जो भारत की सुरक्षा लई खतरा बन सकते हैं। संजय वर्मा ने कहा कि कनेडा वालों गोल्डी बराड़ का नाम हटाने का फैसला दोवां देशों विचाले चल रहे कूटनीतिक मुद्दों का हिस्सा है। कनेडा का यह रवैया अतवाद विरुद्ध कार्रवाई के सहयोग की कमी को दर्शाता है। उन्होंने कहा है कि भारतीय अधिकारियों ने गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई समेत कुछ गैंगस्टरों के नाम कनेडा मुहैया करवाए ने ताकि उन्होंने विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा सके। इसके बावजूद गोल्डी बराड़ का नाम हटाने के फैसले ने भारत में सुरक्षा और न्याय से जुड़े सवाल खड़े कर दिए ने। दस दें कि गोल्डी बराड़ का लंबा आपराधिक इतिहास है जो भारत में उस खिलाफ कार्रवाई की लंबी सूची भी है। गोल्डी बराड़ को पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के कतल का मुख्य मुलजम मनिया गया है। मई 2022 के जदों सिद्धू मूसेवाला का गोली मार के कतल कर दिता गया सी तां गोल्डी बराड़ ने सोशल मीडिया से इस कतल की जिम्मेवारी लैंदिआं कहा कि उसके गैंग और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सांझा बदला सी। इस तों इलावा गोल्डी बराड़ पंजाब दे विच कई होर अपराधिक मामलों दे विच भी मुख्य मुलजम है। उसके हथियारों की तस्करी कतल ते धमकाउण वर्गे अपराधों दे विच शामिल होण दा इल्जाम है। गोल्डी बराड़ दीआं गतिविधियां नूं वेखते हुए भारत सरकार ने भी उसनूं अतवादी घोषित किया होया है अते उसनूं राष्ट्रीय सुरक्षा लई गंभीर खतरा मन्निया है। ब्यूरो रिपोर्ट द टीवी NRI।